एक तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। आखिर संभल कैसे बन गया है यूपी सियासत का मुख्य केंद्र, देखिए एक और रिपोर्ट। संभल में हिंसा पर यूपी में सियासत चरम पर है, लगातार इसको लेकर राजनीति हो रही। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी यानी सत्ता पक्ष पर जानबूझकर हिंसा कराने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को इसका जिम्मेदार मान रहा है। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है, लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की दीन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहाँ कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। दरअसल एक बात साफ है कि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे। ऐसे में ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसी मुद्दे को छोड़ने को राजी है। ऐसे में संभल की घटना ने एक बार फिर प्रदेश में हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग को तेज कर दिया है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो उठे। अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है, और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो समाजवादी पार्टी के लिए संभल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी के MY में से M यानी मुस्लिम का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस खासकर राहुल गांधी मुखर होकर बोलते नजर आए। ऐसे में इस वोट बैंक का भरोसा समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की तरफ मुड़ा है। यही वजह है कि अखिलेश अब इस वोट बैंक को मजबूत करने में लगे। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन धर्म और जात पात के नाम पर अगर समाज के वर्गों में दूरियां पैदा हों तो वो रास्ता किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को ये सोचने की जरूरत है कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे दिलों में दूरियां पैदा हो और समाज में गलत मैसेज जाए। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन अभी से राजनीतिक दलों की तैयारी साफ इशारा कर रही है कि 27 की जंग आसान नहीं होने वाली है।